लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, ए लोगों, बेशक बरोज़ क़ियामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारा फिदान हज जो है वो सिलसिला फिदान मदनी मुज़ाकरा मुख्तलिफ उनवान के साथ आपके सामने लेकर आते हैं, और फिदान हज का हमारा सिलसिला हुआ और हमने कुछ प्रैक्टिकल्स आपको दिखाए, और तफसीली मालूमात के लिए रफ़ीकुल हरमैन की पढ़ने की दावत दी है। यूँ समझिए कि क्लास वर्क के साथ होमवर्क भी दिया गया है, और ये मौसम ऐसा होता है कि इसमें ये चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। और हम आज जो है वो मदीने शरीफ के सफ़र की हमारी तैयारियां हैं कि हज करने वाले बाज़ हुज्जाजे किराम तो ऐसे होते हैं कि वो उनकी डायरेक्ट फ़्लाइट ही मदीने में होती है, फिर इसके बाद इन्होंने हज पर जाना होता है एहराम बांधकर। और एक तादाद हुज्जाज की ये होती है कि वो मक्के शरीफ में हाज़िर होती है, और मक्के शरीफ के बाद मदीने शरीफ उनकी हाज़िरी होती है। तो हमने तरतीब वार आपको पहले मक्के शरीफ के ताल्लुक़ से चंद चीज़ें जो प्रैक्टिकल्स आपको दिखानी थी वो सिखाई हैं, और मदीने शरीफ की हाज़िरी के ताल्लुक़ से हम इंशाअल्लाह रहमान आपको दिखाएँगे। सफ़र मदीना की तरफ आपको लेकर चला जाएगा, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हाजियों ने हज की सआदत हासिल कर ली और अब सुए मदीना रवा दवा है। तो मदीना मुनव्वरा के जलवों की तो क्या बात है। हाँ, बात क्या है बादे सबा इतनी क्यों मुअत्तल है, बता तो इतनी क्यों मुअत्तल है। सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी, सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी, चूम कर चली होगी, फिर झूम कर चली होगी, उनकी गलियों से घूम कर चली होगी, और झूम कर चली होगी। तो ऐ प्यारे प्यारे हजियो, आपका दिल खुशी से झूम रहा होगा कि अब सफर मदीना का आगाज हो रहा है। मदीना मुनव्वरा ज़ाद हल्ला शरफ़ा व तादीमन का मुकद्दस सफर आपको मुबारक हो। देखिए, मुझे ना भूलना, मेरा सलाम अर्ज करना, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हो सके तो हर हाजिरी में मेरा सलाम अर्ज करना, वरना कम से कम एक बार मुझ गुनाहगार का सलाम जरूर अर्ज करना। और साथ में
यहाँ जितने भी हाजिरीन हैं और नाजरीन, मैं ये जुमला बोलकर सलाम अर्ज करना कि या रसूलल्लाह, जो जो आपको सलाम अर्ज करना चाहते हैं उनका सलाम कबूल फरमा लीजिए। और आका से हमारे लिए शफात की भीख भी लेते आइएगा। सलाम के लिए साथ ले चले हमें भी पापा। बस ज़बाने ज़ाहिरी तो खुद सलाम लाता, कभी खुद सलाम लाता तो कुछ और बात होती, कभी खुद सलाम लाता तो कुछ और बात होती। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपको चल मदीना के काफ़िले का एक वाक़िया, ये हम इस मौजू से एक मदनी गुलदस्ता आपको दिखा रहे हैं। ये चल मदीना का जो काफिला होता था उसका अंदाज़ ये होता था कि जब मदीना मुनव्वरा करीब आ जाता तो उसका अंदाज़ा हो जाता है, वो हर जगह संगे मील लगे होते हैं। अब संग तो नहीं होते, वो बोर्ड लगे होते, संग माने पत्थर, उसमें वो किलोमीटर लिखा होता है कि इतने किलोमीटर उतने किलोमीटर। तो जब मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ा व ताज़ीमन करीब आ जाता है तो हमारे जो चल मदीना वाले ज़ायरीन जो हैं वो खड़े होकर मदीना मुनव्वरा का एहतराम करते हुए खड़े हो जाते और इस तरह बकिया सफ़र जो है वो जिससे जितना हो सकता है खड़े होकर तय करते हैं बस में, क्योंकि यहाँ से पैदल जाना तो यूँ भी मुमकिन नहीं होता कि वो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं और वहाँ चेक पोस्ट आता है, वहाँ पैदल जाने का कोई तसव्वुर नहीं है, बस ही दाखिल होगी और वो सब उनकी चेकिंग, वो उतरेगा ड्राइवर और सबके कार्ड दिखाएगा, गिनतियाँ होती हैं कि कोई इसमें गलत आदमी तो नहीं जा रहा वगैरह। और वहाँ एक ज़ोक अफजा बात ये होती है कि एक तरफ लिखा होता है लिल मुस्लिमीन फ़कत, गैर मुस्लिमों के लिए एक बोर्ड लगा होता है एग्ज़िट, वहाँ लिखा होता है गैर मुस्लिमों के लिए। वहाँ यकीन माने ऐसी कैफियत होती है, ऐसा दिल में एक सुरूर पैदा होता है, एक शुक्र की कैफियत पैदा होती है कि या अल्लाह तेरा कैसा कर्म है कि दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आका के मदीने में दाखिल हो रहे हैं और गैर मुस्लिम को निकाला जा रहा है, तू अलग चला जा, एग्जिट तेरा काम नहीं है, तेरी तुझे इजाज़त नहीं, वो दाखिले की इजाज़त नहीं है गैर मुस्लिम। अब ये अलग बात है कि कोई मुर्तद अंदर घुस जाए और कोई ना रोके वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ ये लिखा होता है कि ये लिल मुस्लिमीन फ़कत, अल्हम्दुलिल्लाह ओनली फॉर मुस्लिम्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और मदीने में दाखिला नसीब हो जाता है अल्लाह के करम से। अल्लाह ईमान भी सलामत रखे, अल्लाह ईमान भी सलामत रखे, और ईमान की नज़र से मदीना देखेंगे तभी बात बनेगी बेशक। असल तो ईमान है, ईमान के बगैर अगर कोई मदीना देखे चाहे हर साल हज करे, बेशानी रगड़ रगड़ कर काला शामी कबाब भी कोई बना ले और अगर उसके अंदर ईमान नहीं तो उसके लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई हासिल ही नहीं, बेकार खामा खाम, मतलब ये नहीं कि वो गधे की तरह मिट्टी ढो रहा है और जाएगा जहन्नम में, इसी तरह मरा तो कुफ्र पर। अल्लाह ताला महबूब की गुस्ताखी से बचाए, अल्लाह ताला बेअदबी और बेअदबों के शर से हमारे सारे हाजियों को महफूज रखे, इनके सदक़े में हमें भी महफूज फरमाए।
मदीने जाना हो तो आदाब मदीना मलहूज खातिर रखने होते हैं, और हमारे यहाँ दावत इस्लामी के मदनी माहौल में महफिल मदीना का भी इनेकाद होता है। महफिल मदीना ये हाजियों के हज पर जाने से पहले, मदीने रुखसत होने से पहले ये एक महफिल मुनाकिद की जाती है। उसके ताल्लुक से आइए आपको एक मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तरह से, सुकून पाएगा बस मेरा मुजतर मदीने में। मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम कहना सुल्तान अंबिया से, कहना साहिल पे आते आते मौजों को चूम लेना, मौजों के बाद दिल का जर्रों को चूम लेना, उस पाक सरजमी की राहों को चूम लेना, फूलों को चूम लेना, कांटों को चूम लेना, फूलों को चूम लेना, कांटों को चूम लेना, फिर महबूबे किबरिया से मेरा सलाम कहना। نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اب تو طيبہ میں بلاو آقا اب تو طيبہ میں بلاو अब तो हज पे भी बुला लो आका, अब तो तैबा में बुला लो, हसरत दिल की निकालो, अपने बद को भी निभालो, और अपने कदमों में सुलालो, कुल या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका, तेरे दर की हाजिरी को जो तड़प रहे गे उनको, आका तेरे दर की हाजिरी को जो तड़प रहे गे उनको, शाह जल्द तुम बुलाना मदनी मदीने वाले, कुल या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाद आशिकान रसूल जो मदीने जिनकी रवानगी थी, हज के असबाब थे, हज के लिए रवाना होना था, ये इनके हाजरी जानशीन अमीर अल सुन्नत शहज़ादा अत्तार
कि हाँ हुई वहाँ मेरे सुन्नत भी रौनक अफरोज थे और यहाँ ये महफिल मदीना का इनेकाद हुआ और उसके मनाजिर आपको हमने दिखाए। मदीना शरीफ की अज़मत व रिफ़अत, बुलंदी, मदीना शरीफ की शान, ये भी जहन में होना ज़ाहिर मदीना के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए आपको इसका मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। मदीना पाक की अज़मत व रिफ़अत का तसव्वुर बांधते रहिए, इसके फ़ज़ाइल पर गौर करते रहिए, इससे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ल आपका शौक मज़ीद बढ़ेगा। मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा ज़ादहुम अल्लाह शरफ़ा व तादीमा का फासला तकरीबन 425 किलोमीटर है, जिसे आम दिनों में बस तकरीबन 5 घंटे में तय कर लेती है। ये बस की रफ्तार बता रहा हूँ, कार तो 3 घंटे में भी पहुँच जाती होगी, बल्कि इससे भी कम में। मगर हज के दिनों में बाज़ मसलहतों की बिना पर रफ्तार कम रखी जाती है और पहुंचने में तकरीबन 8 से 10 घंटे बस ले लेती है। मरकज़ इस्तिक़बाल हुज्जाज पर बस रुकती है, यहाँ पासपोर्ट का इंदिराज होता है, एंट्री होती है और पासपोर्ट रखकर एक कार्ड जारी किया जाता है जिसे हाजी ने संभाल कर रखना होता है। यहाँ की कार्रवाई में बाज़ औक़ात कई घंटे भी लग जाते हैं और ये कार्ड हाजी को नहीं बनवाने होते, ये सारे पासपोर्ट जमा किया होता है उसने, ड्राइवर ने, और वो जाकर खुद ही ये बनवा कर कार्ड फिर दे देता है हाजियों को। तो इसलिए ये टेंशन ना लेंगे कि आपको वहाँ लाइन में लगना होगा, आप कोना खांचा पकड़ लें, लोग बातों में लगे होते हैं, मशरूबात पी रहे होते हैं, सब कुछ होता है, आप अपनी करें, इन पर भी एतराज़ ना करें। और क्योंकि आप बिल्कुल आप मदीना शरीफ के समझो के बॉर्डर पर करीब तरीन है, अन करीब इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल आप मीठे मदीने की गली कूचों के जलवे लूटेंगे। मदीने पहुंचकर हाजरी से पहले कुछ एहतिमाम भी करना होता है, आइए आपको इसका भी मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। हाजिरी रौजा रसूल से पहले मकान वगैरह का बंदोबस्त कर लीजिए, हाजत हो तो खा पी लीजिए, अलगरस हर वो बात जो खुशू व खुशू में माने हो उससे फारिग हो लीजिए। अब ताज़ा वुज़ू कीजिए, इसमें मिसवाक ज़रूर हो, बल्कि बेहतर ही है कि गुस्ल कर लीजिए, धुले हुए कपड़े, बल्कि हो सके तो नया सफ़ेद लिबास, नया इमामा शरीफ वगैरह ज़ेब तन कीजिए, सुरमा और खुशबू लगा लीजिए और मुश्क अफजल है। अब रोते हुए दरबार की तरफ बढ़िए, ऐ लीजिए वो सब्ज सब्ज गुंबद जिसे आपने तस्वीरों में देखा था, ख्यालों में चूमा था, अब सचमुच आपकी निगाहों के सामने है। क्या सब्ज सब्ज गुंबद का खूब है नजारा, क्या सब्ज सब्ज गुंबद का खूब है नजारा, है किस हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदीने शरीफ के रास्ते में भी एहतिमाम होना चाहिए और मदीने शरीफ के ताल्लुक से आदाब मदीना भी हमारे जहन में होने चाहिए। अमीर अहले सुन्नत का सिलसिला, अमीर अहले सुन्नत की कहानी इन्हीं की ज़बानी,
ये सिलसिले भी ज़ाहिर मदीना के पास भी होने चाहिए और जिनके पास असबाब नहीं है वो हज पर जा नहीं रहे उनके भी देखे होने चाहिए। आदाब मदीना, मदीने शरीफ से मोहब्बत, मदीने शरीफ की आज़मत दिल में बिठाने के लिए आशिकाने मदीना के वाक़यात मालूम होना ज़रूरी है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की अपनी मदनी सोच, आपका अंदाज़ ये भी हमें मालूम होना चाहिए, इससे मदीने शरीफ की मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। तो आप मदीने शरीफ में जब भी जाएँ तो रस्ते में भी कुछ इसका लिहाज ज़रूरी है। रस्ते भर में दुरूद पाक का भी सिलसिला होना चाहिए। आपको एक मदनी गुलदस्ता हम मुख्तसर सा दिखाते हैं। रास्ते भर दुरूद और सलाम की कसरत कीजिए और नातिया अशआर पढ़ते रहिए, या हो सके तो टेप रिकॉर्डर पर खुशी लखान नात खानों के कैसेट सुनते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तरह तरक्की ज़ौक़ के असबाब होंगे। मदीना पाक की अजमत और रिफात का तसव्वुर मानते रहिए, इसके फजाइल पर गौर करते रहिए, इससे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका शौक मजीद बढ़ेगा। दौरान क़ियाम हरमैन तैयबैन फ़ज़ाइल मक्का व मदीना पर मबनी कुतुब का मुताला तरक्की ज़ौक़ का बेहतरीन जरिया है। आशिकान रसूल की 130 हिकायात भी इसका एक सबब है। आशिकान रसूल की 130 हिकायात शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने जो लिखी है ये भी हमें इसका मुताला करना चाहिए। मोहब्बत मदीना को बढ़ाने के असबाब में से एक सबब इंशाअल्लाह रहमान आप इस किताब को पाएंगे। गुम्बत खजरा का दीदार, हम आपको असल जो इस सिलसिले के अंदर आगे लेकर जाना चाह रहे हैं जाली मुबारका के हाज़री का अमली तरीका आपने दिखाना है, और हमने अपने सिलसिले में आपको बाज़ अमली तरीके दिखाए। तो जाली मुबारक में किस अंदाज से हाज़री देनी है वो आपको हमने इस सिलसिले में खसूसियत के साथ बयान करना है। गुम्बद खजरा के दीदार के ताल्लुक से आइए आपको एक मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। जल्द ही आप गुम्बद खजरा के दीदार से अपनी आँखें ठंडी करेंगे। जो ही दूर से मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब अस्सलात वस्सलाम के मीनार नूरबार पर निगाह पड़ेगी, सब्ज सब्ज गुंबद नजर आएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके कल्ब में हलचल मच जाएगी और आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़ेंगे। कोशिश तो की मगर साईं कमाले ज़ात की, कोशिश तो की मगर पलकों का हल्का तोड़ कर आंसू निकल गए, पलकों मवाजा शरीफ के बारे में पहले हम आपको कुछ मालूमात देंगे और इसके बाद जाल मुबारक की हाज़री का जो तरीक़ा और अंदाज़ होना चाहिए और उसकी कुछ मालूमात आपको बहुत अहम मदनी गुलदस्ते में फराहम की जाएगी। मवाजा शरीफ, ये किल मुबारक, ये दरवाज़े मुबारक है जाली मुबारक का, तो ये सुराख शरीफ जो बड़ा है इस पर मुवाजा शरीफ नहीं है, चेहरे अनवर इस तरफ नहीं है, बल्कि ये कील शरीफ जो है ना ये इस बात की अलामत है कि चेहरे मुबारक यहाँ है। ये आशिकों के दौर की बनी हुई जाली मुबारक, यहाँ चेहरे मुबारक है और इसके तकरीबन 2 गज की सीध में वो झूमर छत पे लटक रहा होता है। उस झूमर के नीचे खड़े होकर कहा जाता है कि सरकार आला हजरत ने खुली आंखों से सरकार का यह दीदार किया था। तो ये असल चेहरा अनवर इस तरफ है, अल्लाह नसीब करे। मवाजा अकदस के बारे में मालूमात आपको इस मदनी गुलदस्ते से फराहम की गई कि मवाजा शरीफ चेहरा मुकद्दसा चेहरा अनवर किस तरफ है और जाली मुबारक और इस पे हाजिरी किस अंदाज से देनी है, कहाँ खड़ा होना है, इसकी मालूमात के ताल्लुक से एक
आपको बहुत ही अहम मदनी गुलदस्ता दिखाया जा रहा है। यह देखिए, इस वक्त यहाँ सुनहरी जालियों का मॉडल है, एक नक्शा बना हुआ है और ये इनकम्प्लीट है, अधूरा बना हुआ है, शायद उनकी तवज्जो नहीं रही, क्योंकि यहाँ एक चांदी का कील होना चाहिए, वो एक यू एंगल सा बना हुआ चांदी का। तो खैर, अब मैं इसी से आपको समझाता हूँ। ये बाबू सलाम से आने वालों के लिए ये पहले बड़ा सुराख आता है, दायरा गोल इसी तरह का सुराख है, तो लोग इसको समझते हैं कि यहाँ सलाम अर्ज करना है और इसको मुवाजा शरीफ समझते हैं, यहाँ सरकार का चेहरा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब मिसगाइड करने की भी तरकीब शायद हो गई है, लिख दिया कि यहीं सलाम अर्ज करो, यहाँ चेहरा है अनवर यहाँ नहीं है, बुजुर्गों ने जो लिखा है वो भी अर्ज करूँगा मैं। तो ये खूबसूरती के लिए बनाया गया सुराख, समझ में यही आता है। तो अब यहाँ यूँ तो सलाम यहाँ से भी अर्ज करें तो पहुँचता है, जब वहाँ पहुँचे तो सही चेहरे अनवर के सामने है ना, तो यहाँ सलाम अर्ज करने के बजाय यहाँ आएंगे ना, तो ये जाली मुबारक का दरवाज़ा है, बाकायदा उसमें ताला शरीफ भी लगा हुआ है, तो यहाँ इसमें ताला भी नहीं बना हुआ, तो ये यहाँ दरवाज़ा मुबारक है, और दरवाज़े मुबारक है कि इस तरफ चांदी का एक एंगल नुमा बना हुआ है, जिसको चांदी का कील लिखा है हजरत ने। तो ये जो कील है ना, ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये यूं करके इशारा दिया हुआ है कि यहाँ सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह अल-कवी ने जज्बुल कुलूब में इसी जगह को मुवाजा शरीफ करार दिया, चेहरे अनवर यहाँ है, और आला हजरत ने भी अनवारुल बिशारा में इसी जगह को लिखा कि चेहरे अनवर इस तरफ है। तो यहाँ नहीं बल्कि आपको यहाँ आकर चेहरे अनवर की तरफ रुख करके मुंह करके खड़ा होना है, और दो गज दूर हाथ नहीं लगाना है, चूमना नहीं है, बल्कि अंदाजन चार हाथ यानी दो गज दूर रहकर आपको हाजिरी देनी है। हज के सीजन में रश बहुत होता है, खड़ा रहना बहुत दुश्वार होता है, और वो भी अपनी पसंद ने मर्जी की जगह। तो इसकी एक अलामत और जो पहले थी अब भी होगी मेरा ख्याल ऐन इसकी यूँ सीध में सामने शायद वो चार ही हाथ हो, बहुत बड़ा झूमर लटक रहा है, और झूमर होते हैं मस्जिदों में लटकाते हैं बड़े बड़े, वो लटक रहा है, उसी झूमर के नीचे खड़े होकर मुझे जो याद पड़ता है कि सरकार आला हज़रत ने सलाम अर्ज किया था और वहीं खड़े खड़े खुली आंखों से सरकार का दीदार किया था। अभी वो झूमर लटका हुआ है, काश फिर देख लें। तो उसी झूमर के नीचे जगह मिले तो मक्का मदीना, मीठा मदीना। तो यूँ खड़े होकर उस झूमर के यहाँ आपको जगह मिले बहुत मुश्किल, रश में नहीं मिलेगी शायद, लेकिन फिर कभी मौका आएगा, रात को देर से मिल सकती है, तहज्जुद के वक्त दरवाजे शरीफ अब तो खुले रहते हैं ज़ाहिरी दरवाजे, तो रात देर से वो ज़ाहिर के हाजरीन ना ज़ाहिरीन आराम फरमा होते हैं, तो मौका मिल जाए तो बाबुल बकी से भी मिल जाए कि बाबुल बकी जो है ना, ये ऐन कदमों की तकरीबन सीध में, इधर से खड़े होकर जैसे कोई हाजिरी देगा तो किबले को यानी कि पीठ होगी उसकी, और अब काबे के काबे को जब रुख है तो इस काबे को पीठ करनी होगी, अदब यही है यहाँ का, सुनहरी जालियों का, सरकार की बारगाह में हाजिरी का अदब यही है। अच्छा, अब यहाँ सलाम अर्ज कर दिया, तो अब सलाम अर्ज करने बाद थोड़ा सीधे हाथ की तरफ आएंगे ना, ये नजर आ जाएगा ये सुराख शरीफ, तो यहाँ सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा अनवर है कब्र में, और फिर यहाँ सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का दूसरे सुराख पर। तो ये दूसरे सुराख पर सलाम अर्ज करने के बाद अब फिर दोनों के बीच में खड़े हो जाइए, और अब दोनों को जमा के सीखे में सलाम अर्ज कीजिए। ये सारे सलाम वगैरह वो रफीकुल हरमैन में लिखे हुए हैं, तो ये सब हाजिरियाँ यहाँ देनी है, और
रश में जब आप आएंगे ना, तो इसमें तजर्बा जो किया है वो ये है कि यूं तो रश में मैंने देखा है कि अच्छा भला आदमी बह जाता है, लेकिन अगर कोशिश करे ना तो तरकीब बन जाएगी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ से वो बिल्कुल एक ये भीड़ है, रेला है पब्लिक का। अब लोग क्या यूँ आ रहे होते हैं भीड़ में और यूँ यूँ कर रहे होते हैं, इनको बेचारों को पता नहीं होता, मालूम हासिल करते नहीं हैं, तरबियत वगैरह होती है तो गैर हाजिर होते हैं, किताबें भी नहीं पढ़ते तो उनको समझ नहीं आती क्या करना है, यूँ यूँ करके बस जो समझ में आता है बेचारे गुजर जाते हैं। खैर, जिस पर आका कर्म कर दें, आका सब पर कर्म फरमाए, तो ये यूँ करते हैं। तो अब यूँ रेले में तो भेज जाएंगे आप, तो इसकी सूरत ये हो कि आप अपने सीधे हाथ की तरफ थोड़ा वो प्रेशर रखें ताकि आप बहें नहीं। जब खड़े हुए ना तो आप जितना हो सके ना पीछे की तरफ प्रेशर के साथ खड़े होंगे ना तो रेला इस तरफ से निकल रहा होगा और आप खड़े होकर सलाम अर्ज करते रहें, जब तक कोई आकर आपको, हो सकता है कोई आ जाए देख ले तो वो आपको जाने का कह दे। तो एक ये सूरत है बचत की, यूं बस यूं करके बचत हो जाती है, तजर्बा होगा आपको भी। तो यहाँ सब ये मकामात जो हैं और ये सुराख खूबसूरती के लिए गलेबन बनाया हुआ है, यहाँ भी खूबसूरती के लिए, यहाँ कोई यानी कि क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेखैन करीमैन सिद्दीक अकबर और फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा यहाँ तीनों हस्तियाँ तशरीफ़ फरमाएं। अब बड़ी बड़ी नकली खबरें आजकल वो तस्वीरें मिलती हैं, ये सब गलत हैं, क्योंकि वो पंज गोशा दीवार है पाँच कोने वाली अंदर में, तो ये यहाँ का वहाँ का जो बड़े बड़े जो बादशाहों का और कोई भी अंदर जा ही नहीं सकता, ये पंजगोशा दीवार आजकल की नहीं है, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की है, गालिबन उन्हीं के दौर की है। तो ये अंदर कोई कब्रों की तस्वीर मुमकिन ही नहीं निकालना, तो ये जाली तस्वीरें ये लगाया नहीं करें, और ऊँची ऊँची कब्रें बनी हुई हैं, हालांकि एक बालिश सुन्नत है या कुछ ज़्यादा, सुन्नत के मुताबिक मज़ार देखने तो अल्लाह आपको कभी मदीनतुल मुर्शिद बरेली शरीफ की ज़्यारत नसीब करे, आला हज़रत का मज़ार एक बालिश, वहाँ मज़ार एक बालिश सुन्नत के मुताबिक, आला हज़रत ने सुन्नत लिखी है, सहरा मदीना में मुफ्ती फारूक और मुश्ताक भाई की कब्र भी अब एक बालिश कर दी गई है। और मेरी वसीयत भी अगर आप बकी शरीफ में हो कब्र बना पाएँ तो एक बालिश्त ही बनानी है सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह। हाँ ये बेटे, ये चेहरे किस क्यों इतनी फसलों पर है, तो जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रू लेटे हुए, तो इनके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शाने कंधे मुबारक के पास सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़िबला रू, फिर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे मुबारक के पास फारूक आजम, तो यूँ तीन कब्रें अंदर तशरीफ़ फरमाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, और इंशाअल्लाह रहमान प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब में हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वाली सलातु वस्सलाम का मज़ार शरीफ भी होगा। और ये आपने जो हाज़री का तरीक़ा देखा ज़ायरीन मदीना के लिए भी और इसके अलावा भी आम आशिकान रसूल को इसकी मालूमात होनी चाहिए कि मवाजा अकदस कहाँ पर है, इसे अमली तौर पर यानी यूँ समझिए कि उसका पूरा माहौल बनाकर आपको दिखाने की एक तरकीब बनाई गई है। मेरे सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों में अमली तौर पर भी इकदाम किए जाते हैं, कुर्बानी के अय्याम के अंदर कुर्बानी किस तरह सुन्नत के मुताबिक की जानी चाहिए, फिर आज़ाए ममनुआ वगैरह, और इस तरह की बहुत सी मालूमात आपको फराहम की जाती है, और वो भी आपको फैज़ान मदनी मुज़ाकरा सिस्टम में फैज़ान कुर्बानी की सूरत में इंशाअल्लाह रहमान हम दिखाएंगे। और
इससे पहले कि रुखसत मदीना का मदनी गुलदस्ता आपको दिखाया जाए, हम आपको सब्ज गुंबद के रूबरू हाजिरी के बारे में भी एक मदनी गुलदस्ता दिखाएंगे, फिर रुखसत मदीना पर हमारे इस सिलसिले को हम इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे। आइए हम देखते हैं सब्ज गुंबद के रूबरू हाजिरी। आहा, ये वही सब्ज गुंबद है जिसके दीदार के लिए आशिकान रसूल के दिल बेकरार रहते और आंखें अश्कबार हो जाया करती हैं। खुदा की कसम, रौज़ा रसूल से अजीम जगह दुनिया के किसी मकाम में तो कुजा जन्नत में भी नहीं है। फिरदौस की बुलंदी भी छू सके ना इसको, खुल्द बरी से ऊंचा मीठे नबी का रोजा। दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब वसाइल बख्शिश के सफा 298 के हाशिए में रौजा के लफ्जी माना है बाग। शेर में रौजा से मुराद वो हिस्सा जमीन है जिस पर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बदन मुअज्जम तशरीफ फरमाए। इसकी फजीलत बयान करते हुए फुकहाए किराम रहिमहुमुल्लाह अस्सलाम फरमाते हैं, चुनाचे दुर्रे मुख्तार जिल 4 सफा 62 पर है, महबूब दावर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्मे अनवर से जमीन का जो हिस्सा लगा हुआ है वो काबा शरीफ से बल्कि अर्शो कुर्सी से भी अफजल है। अब सरापा अदब होश बने, आंसू बहाते या रोना ना आए तो कम अज कम रोने जैसी सूरत बनाए, बाबे बकी पर हाजिर हो। ये बाब मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिबी अस्सलात वस्सलाम के जानिब मशरिक ईस्ट की तरफ वाके है। उमूमन दरबान बाबे वकी से हाजिरी के लिए नहीं जाने देते न भीड़ के मौके पर, लिहाजा बाबू सलामी से जायरीन हाजिर होते हैं। इस तरह हाजिरी की इब्तिदा सरे अकदस से होगी और ये खिलाफ अदब है क्योंकि बुजुर्गों की खिदमत में कदमों की तरफ से आना ही अदब है। अगर बाबे बकी से हाजिरी ना हो सके तो बाबू सलाम से भी हरज नहीं। अगर भीड़ वगैरह ना हो तो कोशिश कीजिए कि बाबे बकी से हाजिरी नसीब हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सब्ज गुंबद के रूबरू हाजिरी, ये मदनी गुलदस्ता आपको दिखाया गया और इसके बाद जाली शरीफ में जो हाजिरी है उसका मदनी गुलदस्ता हम आपको पहले दिखा चुके हैं। रुखसत मदीना का मदनी गुलदस्ता अब आपको दिखाया जा रहा है। जब मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ा व ताज़ीमा से रुखसत होने की जान सोज घड़ी आए, रोते हुए और ना हो सके तो रोने जैसा मुंह बनाए, मुवाजा शरीफ में हाजिर होकर रो रो कर सलाम अर्ज कीजिए, खूब रो रो कर दुआएं मांगिए, बार बार हाजिरी का सवाल कीजिए और मदीने में ईमान और आफियत के साथ मौत और जन्नतुल बकी में मदफन की भीख मांगिए। बाद फरागत रोते हुए उल्टे पांव चलिए और बार बार दरबार रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस तरह हसरत भरी नज़र से देखिए जिस तरह कोई बच्चा अपनी माँ की गोद से जुदा होने लगे तो बिलक बिलक कर रोता और उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता है कि माँ अब बुलाएगी कि अब बुलाएगी और बुलाकर शफ़क़त से सीने से चिमटा लेगी। ऐ काश रुखसत के वक्त ऐसा हो जाए तो कैसी खुशबख्ती है कि मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुलाकर अपने सीने पुर अनवार से लगा लें और रूहे बेकरार कदमों पे निसार हो जाए। है तमन्नाए अत्तार या रब उनके कदमों में यूं मौत आए, है तमन्नाए अत्तार या रब उनके कदमों में यूं मौत आए।
جب تڑپ کر گرے پیرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ذوق مدینہ شوق حاضری مدینہ اور اپنے دل میں عظمت مدینہ بٹھانے کا ایک ذریعہ مدنی مذاکروں کو دیکھنا بھی ہے. مدنی مذاکروں میں اجتماعی طور پر شریک ہوں اس کے پابند بنے. امیر اہل سنت کی برکتوں سے ملنے والے اس ذوق شوق میں آپ بھی حصہ ملا سکیں گے, یعنی یوں کہ حصہ پا سکیں گے. تو اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے, مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فیضان حج کے ہم نے آپ کو 3 سلسلے دکھائے ہیں, اب ہم فیضان قربانی کی طرف جا رہے ہیں. اور فیضان قربانی کے اندر ہم آپ کو قربانی کے طریقے کار اور اس کے بعد اعضائے ممنوعہ کا بیان بھی بتائیں گے. دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کھانا منع ہوتا ہے اور اس کی تفصیل بھی معلوم ہونی چاہیے. اس کی تفصیل کس طرح معلوم ہوگی, کیا چیز ہوگی, ہم آپ کو پریکٹیکل کے ساتھ بیان کریں گے. ہم نے فیضان حج میں بھی کوشش کی ہے کہ آپ کو کچھ پریکٹیکل چیزیں بیان کی جائیں. مکمل لازمی بات ہے یہ معلومات نہیں ہیں, اور یہ بات بیان کر دی گئی کہ فیضان مدنی مذاکرہ کس چار آپ دیکھیے, اس میں آپ حج کا طریقہ اور اس کے پورا طریقہ کار جو ہمیں سنت نے بیان کیا ہے وہ آپ حاصل کر سکتے. بلکہ آڈیو بک, بولتی کتاب رفیق الحرمین, یعنی وہ عاشقان رسول جو اردو نہیں پڑھ پاتے, سن پاتے ہیں, سمجھ پاتے ہیں, تو وہ سمجھ سکتے ہیں. اور جو اسلام بھائی آنکھوں کی نعمت سے محروم ہیں وہ بھی فیضان مدنی مذاکرہ کس چارج سے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک لا شریک لک لبیک 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 لا شریک لک لبیک.